अगर आप जानबूझकर किसी इंसान को इग्नोर करने पे उतर आए तो थोड़ा सोच समझकर इग्नोर करिए। अब ये क्या बात हुई भाई, मैं अपने कई वीडियो में बताता हूँ कि पेस दो, कई बार कहता हूँ इग्नोर भी करो थोड़ा ज़्यादा, पर मैं आपको ऐसा भी कह रहा हूँ कि अगर आप इग्नोर कर रहे तो आपको सोच समझकर इग्नोर करना आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली पेस देने से तो बहुत ज़्यादा काम होता है, कई बार इग्नोर करना भी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, आप अपने रिलेशन की सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस समय पे कब कैसा और कितना इग्नोर या पेस देना चाहिए, तो यकीन मानिए ऐसी चीज़ें करने से आपके रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि दवा दवा होती है, जिस प्रॉब्लम के लिए वो दवा तुम्हें लेनी चाहिए, अगर वो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम दूसरा है और तुम दूसरी दवा खा रहे हो, तो डेफिनेटली वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी हेल्थ को डैमेज करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस प्रॉब्लम में, किस सिचुएशन में कितनी पेस देनी चाहिए और कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली मैं फिर से कहता हूँ कि पेस देने से कभी कभार इग्नोर करने के फायदे भी होते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, आपको अपने रिलेशन की सिचुएशन के हिसाब से समझ में नहीं आता, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो बात करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम में कितनी पेस देनी चाहिए और किस तरह से उनके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकअप के बारे में, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ज़रूरी होता है। अब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और सामने से बंदा बात ही नहीं कर रहा है या वो बात करना नहीं चाहता, तब हम सामने से बिल्कुल भी बात नहीं करते। यहाँ पर तो ज़रूरी होता है कि हम कुछ टाइम के लिए उनकी नज़र में ना आए, यानी कि हमारे बारे में कुछ भी उनको पता ही ना चले, एकदम गायब रहे, ये स्टार्टिंग में यानी कि ब्रेकअप के टाइम पे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप पेस दे रहे हो, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन ना बात करना ही नहीं चाहता। इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्जी से, वो चाहता है हमसे बात करना, फिर भी हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर डेफिनेटली आपको सामने से कुछ करना नहीं होता। अब दूसरी सिचुएशन होती है कि मान लो आपका पार्टनर आपको बहुत 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 ज़्यादा इग्नोर कर रहा है सामने से, तो इस टाइम पे आपको अपनी तरफ से ना बिल्कुल भी एफर्ट लगाना बंद कर देना है। सामने से हम मैसेज, कॉल वगैरह जो करते ये हमें नहीं करना होता, बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्लॉक भी कर देते हैं। तो भाई इग्नोर पे इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम ब्लॉक कर दो, क्योंकि कई बार इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी आपको जब आपको रिप्रेजेंट होना होता है। हाँ, नंबर निकाल सकते हो पर ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सामने से एफर्ट लगाने बिल्कुल भी कम कर देने। अब सामने वाला बात करता है, सामने वाला आगे आकर आपसे बातचीत करता है, तब बात करो। इस सिचुएशन में जैसे जैसे उनका बिहेवियर सही होता जाता है, उसी तरफ से आपको एफर्ट लगाने होते हैं। पर जब तक वो एकदम अपनी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लेता, तब तक मैक्सिमम टाइम तुम्हें सामने से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये भी पेस देना है, ये इग्नोर करना नहीं कहलाता। अब तीसरी कंडीशन कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी चीज़ें ख़राब नहीं हुई, प्यार भी है, बिजी भी लगता है, तुम्हें लगता है कि पहले जैसा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ना तुम्हें रियल पेस का मतलब बनता है वो यहाँ पर बनता है कि तुम अपने जो एफर्ट होते हैं, तमाम तरह के एफर्ट, अब मैं एक एक आपको नहीं बताऊंगा, आप तमाम तरह के आपके जो एफर्ट उनके लिए लगा रहे हो ना, उनको 50% कर दीजिए, एकदम सिंपल, एकदम क्लियर है, ठीक है। उनका रीज़न है, यहाँ पर लोग ना एफर्ट डबल कर देते हैं, यहीं पे फाइट करने लगते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, थोड़ा सा चेंज आया और हम चालू हो जाते हैं। एक्चुअल में ऐसी कंडीशन में 50% आपको कम करना है, तो ये एक एक्चुअल पेस कहलाता है। अब एक बात करते हैं नॉर्मल रिलेशन के बारे में, जिसमें कछो प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ना तुम चीज़ों को बैलेंस रखो, ना हमें उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना है, ना हमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना। एफर्ट लगाओ, नज़दीक रहो, लेकिन ज़्यादा नहीं, नॉर्मली, ठीक है। तो नज़दीक भी रहो और इतना दूर भी मत रहो, तो इन चीज़ों को ना बैलेंस में रखना होता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दो में से एक भी चीज़ बैलेंस में नहीं रही, तुम बहुत दूर चले गए, बहुत इग्नोर करोगे, आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तुम बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत नज़दीक हो, आगे जाके प्रॉब्लम होगा। सही से रखना चाहते हो चीज़ें, तो उन चीज़ों को ना आप बैलेंस में रखो।
अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि मान लो हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मतलब कभी कभी कॉल के लिए वेट कराए, समझ लो, कभी इग्नोर कर दे, कभी मिस कराए ताकि वो हमें ज़्यादा प्यार करे। एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन जब आपको पता चल गया कि हाँ वेट कराने से ये मतलब और ज़्यादा उसकी बेताबी बढ़ जाती तो इसका ना मिस यूज़ करने लगता है, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को ना फिर इन चीज़ से ज़्यादा तकलीफ हो जाए। तुम नॉर्मली 15 दिन में एक आध बार, महीने में 2-3 बार बस, उससे ज़्यादा मत करो। तो डेफिनेटली जब आपके रिलेशन में कहीं तरह की प्रॉब्लम होती है तो इग्नोर करना, थोड़ा सा पेस देना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि उनके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता और वो अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा तो सही हो जाएगा। कई लोगों को लगता है कि इग्नोर करने से सामने वाला बहुत प्यार करने लगेगा। भाई साहब, अगर आप किसी को ब्लॉक कर दो, एकदम इग्नोर कर दो 2-4 महीने में, वो बहुत ज़्यादा तड़पेगा, पर एक टाइम के बाद कुछ कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कब, कैसे और क्यों आपको अपने पार्टनर को इग्नोर करना चाहिए, किस तरह से पेस देनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।